तो ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे, बैठे हुए नेक्स्ट स्टेशन पे 10-12 लड़के चढ़े, लड़के, अब लड़के हैं तो लड़ना उनके स्वभाव में, बैठे और थोड़ी देर बोले यार मस्ती सूज रही है, कुछ मजा नहीं आ रहा, ट्रेन की चेन खींचते हैं। क्या बोला? ट्रेन की चेन खींचते। तो दूसरा बोला कि यार इतनी मस्ती आती है इसमें कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो तीसरा बोला कि यार खींचेंगे तो वो आएगा टीटी और पैसे मांगेगा, अपने जेब में कितना है बोलो। तो किसी ने 100 निकाला, किसी ने 200 निकाला, 1200 रुपये उनके, 1200 रुपये उनके पास। अब 1200 रुपये हो गए तो जब वो सब वो देख रहे थे बूढ़े को, वो बूढ़ा भी देख रहा है भाई मस्ती कर रहे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसमें से एक कलाकार था छोकरा, वो बोला यार पैसे भी बच जाएंगे और मजा भी आ जाएगा। बोले कैसे? कि इस बूढ़े का नाम ले लेंगे। क्या? इस बूढ़े का, कि भाई इसने खींची है। वो बूढ़ा हाथ जोड़ा, यार मेरे को क्यों फंसा रहे हो तुम लोग। वो बूढ़ा गिड़गिड़ावे, ये लोग मजा ले रहे, कि आज तो तुम्हारा, अब बूढ़ा भी करे क्या, इन बच्चों ने वो चेन तो खींच ली, गाड़ी रुक गई, और गाड़ी रुकी और टीटी आए, और टीटी आके पूछा भैया ये चेन किसने खींची है, ये चेन किसने खींची है? तो बोला कि ये बूढ़े ने खींची है। अब बूढ़े के पास गए कि भाई चेन तूने खींची है। अब बूढ़े को मालूम था कि भाई अपने पास कोई चारा तो है नहीं, ये सब 10-12 जने, तो बोला कि चेन मैंने ही खींची है। बोले क्या हुआ? बोले मैं क्या करूं, मेरे जेब में 1200 रुपये थे, मारा जेब में, इन छोकरों ने सबने ले लिया, अब मैं चिंता में पड़ गया, चेन नहीं खींचू तो क्या करूं, मेरे 1200 रुपये मुझे दिला दो और इनको फ्री करो। तो अब वो 1200 रुपये लिए गए और नीचे उतारा, और पुलिस वाले जब उनको लेके जा रहे थे ना, तो वो बूढ़ा है ना अंदर से बोल रहा था कि बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए बाबू, बाल हमारे। तो बस बूढ़ों की बड़ी महिमा है, बूढ़ों की बड़ी महिमा है। आप ऐसा है कि ध्यान रखिएगा कि घर में जो वृक्ष होता है ना, फल नहीं दे पर छांव जरूर देता है। तो ऐसा है कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और माँ बाप की सेवा करते रहिए। अंकुर नमक असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।